फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज। आई एम एडवोकेट वनीता, प्रेजेंटिंग हियर टुडे विद एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू इन आवर बेसिक लाइफ। जो भी एक लॉ का एस्पायरेंट है, जो भी कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो आज का टॉपिक मेरा उन सभी के लिए है। अगर आप किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो मेरा आज का टॉपिक है, उसमें आप जुडिशरी की जगह अपने उस पर्टिकुलर कंपटीशन का आप नाम अज्यूम कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी बाय सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के द्वारा हम जुडिशरी की तैयारी कैसे करें, ये आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक जुडिशरी की बात नहीं हो रही। अगर आप किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, या बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज के टॉपिक में हर एक बेसिक बात मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि किस प्रकार आप बिना कोचिंग लिए अपने घर पर बैठे ही अपने आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो और उसमें कामयाब भी हो सकते हो। चलो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल एग्जाम बाय सेल्फ स्टडी। आज का जो हमारा लेक्चर है, अकेला सिर्फ जुडिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, बल्कि किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें हर जगह आपके यही सेम स्ट्रेटजीज होंगी, यही नीतियाँ आपको बनानी पड़ेंगी, उसी के बेस पर ही आपका कहीं सिलेक्शन हो सकता है। जैसे आप जानते हो कि हर एक माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बेटा हो या बेटी हो, जो बड़ी हो तो जीवन में सफल हो, सक्सेसफुल हो, भविष्य में उसको किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसको किसी प्रकार का आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, एक एक रुपए के उसे मोहताज ना होना पड़े और भविष्य में उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। अगर ऐसे अच्छी नौकरियां उसे मिलेंगी तो उसके लिए क्या है, काफ़ी कुछ कंपटीशन चल रहा है, काफ़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है, कोई भी परीक्षा में अच्छी तैयारी करना चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अच्छी तैयारी के लिए वो जो है सेल्फ स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए। अगर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन भी कर लेंगे तो भी क्या होगा, जो कोचिंग पे करवाया जाता है वो लिमिटेड पोर्शन करवाया जाता है, उसके अलावा आपको सेल्फ भी स्टडी करनी पड़ेगी। चाहे आप लीगल मैगजीन्स पढ़ें या आप कोई जीके से रिलेटेड मैगजीन्स पढ़ें या कोई एक ऑथेंटिक बुक पढ़ें, उसके बाद ही आप अपने लाइफ में उस पेपर को क्लियर कर पाते हो। अगर आप आर्थिक तौर पर यानी कि इकोनॉमिकली अगर आप बैकवर्ड हो, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है और आप किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आपका हौसला इतना बुलंद है कि आप चाहते हो कि मुझे हर हालत में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे हर हाल में जज की पोस्ट लेनी है, आईएएस की पोस्ट लेनी है, मैं बैंक पीओ की पोस्ट लेनी है, या मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, चाहे मुझे किसी भी प्रकार की पोस्ट क्यों ना मिल जाए, अगर मुझे उसी के लिए कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर आपका दृढ़ संकल्प इतना ज़्यादा है तो आपको किसी कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं है, आर्थिक तंगी आपके लिए किसी प्रकार की रुकावट नहीं बन सकती। तो मैं आज जो मेरा ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे इस मामले में काफ़ी अनुभव है कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से कौन कौन सी नीतियाँ हमें लागू करनी चाहिए कि हम सेल्फ स्टडी के द्वारा ही एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो मेरा आज का मेन टॉपिक इसी विषय पर है, सेल्फ स्टडी के द्वारा। सेल्फ स्टडी एक्चुअली होता क्या है? सेल्फ स्टडी वो सबसे अच्छा तरीका होता है जिसके साथ हम अपने अनुभव को समझा सकते हैं, अपने जो अनुभव है उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितना हमने सीखा और कितना हमें अभी और सीखना है। चाहे ये कोई क्लासरूम हो, कॉलेज की क्लास हो या स्कूल की क्लास हो या कहीं भी हो, अगर आप मैच्योर बच्चे हो और मैच्योर हो चुके हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अगर लेना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेजर एडवांटेज जो होता है सेल्फ स्टडी का वो ये होता है कि स्टूडेंट जो है अपना जो डर है उस डर को कंट्रोल कर पाते हैं। इस तरीके से जब वो अपने डर को कंट्रोल कर पाएंगे तो उनके अंदर जो सीखने की जो क्षमता है वो काफ़ी गहराई तक हो जाए। हम खुद से चीज़ों को बोलकर जितना नहीं सीख पाते उतना हम दूसरों की मदद से सीख पाते हैं। इसीलिए जब भी हम नए विचारों का, नए जो तथ्य है, आइडिया हैं, उनका हम एक दूसरे को जब आदान प्रदान करते हैं तो भविष्य में ये हमें नई शेप देता है और हम नए प्रकार की सोच के साथ ही तैयारी बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है कि सेल्फ स्टडी जो है उससे क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं जो हमें सेल्फ स्टडी से मिलते हैं। सबसे पहले चीज़ है अफेक्टिव लर्निंग। अफेक्टिव का मतलब है कि हम प्रभावी तरीके से कुछ सीखते हैं। सेल्फ स्टडी के साथ क्या होता है कि छात्र जो है खुद पर विश्वास करना शुरू कर देता है, जो स्टूडेंट है उसका खुद में फेथ जागने शुरू हो जाता है
और वो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है खुद ही तैयार करने लग जाता है। जब भी लगातार वो कुछ सीखने की कोशिश करेगा तो उसके रिगार्डिंग उसके डाउट्स होंगे, तो वो उसे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेगा। जब वो किसी एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेगा उसके साथ साथ एक दो डाउट उसके साथ के साथ ही कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट उसको क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरीके से जब वो सेल्फ स्टडी करता है, जब वो खुद पढ़ता है, तो उसको याद करने की जो पावर है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। जब हम नई नई चीज़ों को इकट्ठा करके, नए नए नोट्स को इकट्ठा करके, नए नए थॉट्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर जो विचार छिपे हुए होते हैं ना वो भी बाहर आने लग जाते हैं, और जो हमारा पढ़ाई करने का जो तरीका है वो भी एक नए सोच के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो एक पॉजिटिविटी हमारे माइंड के अंदर घर करने लग जाती है, एक सकारात्मकता हमारे माइंड में आ जाती है। ये तब होता है जब ये काम हम सेल्फ स्टडी के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सेल्फ स्टडी हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है, क्योंकि एक नई तरह की पहल है जिससे हमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से जब व्यक्ति कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, लगातार पॉजिटिविज्म की ओर बढ़ने लग जाता है, तो वो अपने साथ और बच्चों को भी जोड़ने लग जाता है। एक तरीके से वो ग्रुप अपना बना लेता है, और ग्रुप में जब कोई तैयारी होती है तो वो तैयारी काफ़ी हद तक किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब दूसरी बात आती है, बूस्ट स्टूडेंट्स सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान, कि जैसे जैसे कोई सेल्फ स्टडी करता है तो बच्चा और गहराई से सीखता जाता है, स्टूडेंट के सीखने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे स्टूडेंट अपने आप ही पढ़ने लग जाते हैं और उनकी जब क्षमता बढ़ेगी सीखने की, उनमें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक सी बात है कि उसको बढ़ावा देगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो एक फ्री व्यक्ति की तरह समाज में अपना विचरण करेगा, और उसके कॉन्फिडेंस की वजह से वह किसी के आगे कमज़ोर नहीं पड़ेगा। सेल्फ स्टडी ही वह स्रोत है जिससे एक व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, चाहे वो सेल्फ स्टडी किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए है, या किसी ने सेल्फ स्टडी किया है कोई भोजन बनाने की रेसिपी सीखने के लिए, या किसी ने कोई गेम खेलने का तरीका ढूंढा है, तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से उसके अंदर जो जिज्ञासा बढ़ती जाती है आगे आगे उसको प्रेरित करती रहती है, और उसकी वजह से उसके अंदर एक हौसला आत्मविश्वास बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट है एनकरेज क्यूरियसिटी। एनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना, क्यूरियसिटी का मतलब उत्सुकता। जो भी हमारे अंदर जिज्ञासा है किसी भी चीज़ को खोजने की, जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो उसके बारे में ज़्यादा सेल्फ स्टडी से महत्वपूर्ण तरीके से वो सामने आता है। जो भी स्टूडेंट है जो कुछ भी सीखता है, जो उसके पास जो चीज़ें नहीं हैं, जिनकी उसे कमी महसूस हो रही है, उनमें जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए वो जगह जगह उसको सर्च करेगा। जब वो सर्च करेगा तो उसके बाद क्या है कि उसकी जो एक प्यास है उस नॉलेज को प्राप्त करने के प्रति, उसकी जो इच्छा है, जो प्यास है, उसको संतुष्टि मिलने लग जाएगी, और इस तरीके से वो हर काम को करने में, एक टेक्निकल तरीके से करने में सक्षम भी हो जाएगा। फिर बात आती है लर्न एट योर ओन पेस, अपनी खुद की गति के अनुसार सीखना। कि जब कोई भी व्यक्ति, बच्चा जब स्कूल में होता है, जब बड़ा होता है, कॉलेज में होता है, या कोचिंग सेंटर में कहीं भी पढ़ रहा होता है, तो उसे वहाँ पर शिक्षक जो टीचर्स होते हैं उन्हीं के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, उन्हीं के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उन्हें अपना काम करना पड़ता है। और ये वो टीचर है या कोचिंग सेंटर है वही डिसाइड करता है कि मान लो 9 से 12 तक का आपका टाइम है, या 3 से 6 तक का आपका टाइम है, जो टाइम उन्होंने फिक्स कर दिया, आपको उसी टाइम में क्लास लगानी पड़ेगी और उसी टाइम में आपको अपना सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कई बार ये आपके दिमाग पर एक वजन भी हो जाता है कि मुझे उसी टाइम पर वहाँ पहुँचना है, उसी टाइम पर पहुँच के तैयारी करनी है, अगर मैंने एक दिन भी क्लास नहीं लगाई तो मेरी क्लास जो मिस हो जाएगी, वो कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं होगा। लेकिन जब सेल्फ स्टडी की बात आती है, उसमें क्या है कि हर एक जो स्टूडेंट होता है वो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करता है, चाहे वो किसी जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो या कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। जब वो सेल्फ स्टडी करता है तो उसको पता होता है मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, और उसी के हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, अपनी नीतियाँ बनाता है कि मुझे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है या देर रात को पढ़ना है, मुझे कौन सा टाइम सूट करेगा, मुझे साथ में कोई जॉब करनी है तो जॉब के अलावा मुझे कितना टाइम मिल पाता है। तो अपने अकॉर्डिंग वो अपना टाइम डिसाइड कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग वो अपना पढ़ने का तरीका डिसाइड कर लेता है, पढ़ने की गति डिसाइड कर लेता है। कई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं, लेकिन कई होते हैं काफ़ी स्लो करते हैं। जो स्लो लर्नर होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी सेल्फ स्टडी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे मान लो स्लो लर्नर है जो डेली का एक लेसन ही कर पाता है, और एक फास्ट लर्नर है डेली की 2 करेगा। जो फास्ट लर्नर है वो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके बार बार अपना रिवीजन करता रहेगा। इसी तरीके से जो स्लो लर्नर है
वो धीरे धीरे अपने कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि एक एन्जॉयमेंट भी आता है स्टूडेंट्स में कि वो किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी उन्हें किस प्रकार से आगे बढ़ने में प्रेरित करेगी। फिर बात आती है कि नो एज बार, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, आज आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, वहाँ एक एज बार है, एज लिमिट है, कितनी उम्र के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। हालांकि बार बार जजमेंट्स आ रहे हैं जो कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को खुद भी इस बात की शर्मिंदगी होने लग जाती है कि इस उम्र में मान लो एक कोई 25 साल का कोई व्यक्ति है या 50 साल की कोई बुजुर्ग लेडी है, वो क्या है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम का देना चाहती है और पढ़ाई करना चाहती है, कॉलेज में रेगुलर जाना चाहती है, तो उसको खुद को एक तरीके से हेजिटेशन होता है कि वो कैसे छोटे बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई कर पाएगी। तो सेल्फ स्टडी में क्या है कि उसे इस प्रकार की कोई हेजिटेशन का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे साइकिल चलाना, कैसे स्विमिंग करना, कुछ राइटिंग करना, कोई ड्राइविंग सीखना, इस चीज़ के लिए कोई उम्र नहीं होती। इसी तरीके से सेल्फ स्टडी भी क्या है, किसी भी प्रकार की उम्र में आपको नहीं बांधता, कोई लिमिट में आपको नहीं बांधता। आप जिस भी टाइम चाहें, जिस भी समय चाहें, आप जो है अपनी सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक विश्वास ये भी हो जाता है कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसमें सीखने की जो गुंजाइश है वो भी कम होती है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि मुझे और व्यक्तियों की तरह अपना टाइम बिताकर इस दुनिया से नहीं जाना, मैं एक अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति सेल्फ स्टडी के माध्यम से काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी एक ऐसा स्रोत है, ऐसा माध्यम है जिसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है। जैसे आज इंटरनेट का टाइम है, यूट्यूब पर आपको हर प्रकार का टॉपिक डिस्कशन मिल जाएगा, हर प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएगी, हर प्रकार का कुछ भी आपने सीखना है यूट्यूब पे आप टाइप करोगे आपको वहाँ पर बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से घर बैठकर आप यूट्यूब की हेल्प से, गूगल की हेल्प से, ब्लॉगर की हेल्प से, जो अलग अलग आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उनकी हेल्प से अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सॉरी। फिर बात आता है 6th पॉइंट, कहता है प्रोवाइड डिफरेंट स्टडी मेथड। जब ये सेल्फ स्टडी आप करते हो, आपको अलग अलग प्रकार के मेथड प्रोवाइड करता है। हर एक जो स्टूडेंट होता है वो किसी न किसी विषय की तैयारी अपने तरीके से करता है, वो उसी तरीके से हिसाब से अगर तैयारी करेगा तो ही वो आगे उसको अच्छे से कवर कर पाता है। लेकिन जब हम किसी बंदिश में बन जाते हैं तो हम अपने हिसाब से तैयारी नहीं कर पाते। तो सेल्फ स्टडी में व्यक्ति जो है अपने हिसाब से अपनी तैयारी का माहौल चुन सकता है, अपने हिसाब से अपनी तैयारी को ऑफलाइन, ऑनलाइन, जिस भी मोड में करना चाहे वो कर सकता है। अगर वो PDF से अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है तो PDF से पढ़ सकता है, अगर वो प्रिंटआउट से पढ़ना चाहता है तो प्रिंटआउट से पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो डिफरेंट स्टडी मेथड है वो सेल्फ स्टडी में एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, और उन एक्सरसाइज के हिसाब से ही हम सेल्फ स्टडी में काफ़ी हद तक काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ एक टिप्स की बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी की कुछ एक टिप्स है। सबसे पहली, चूज़ द राइट टाइम टू स्टडी। सबसे पहले आपको राइट टाइम चूज़ करना है। चूज़ का मतलब कि आप अगर राइट टाइम का हेयर डजेंट मीन दैट इट्स इवनिंग और नाइट। इसका ये मतलब नहीं है कि रात का टाइम है, दिन का टाइम है या शाम का टाइम है। इसका मतलब है कि राइट टाइम, जिस टाइम आप पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस कर पाते हो उसी टाइम आपको चुनना है। हर कोई टाइम आपके लिए पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लिया कि आपकी नींद पूरी नहीं है और जब तक आप अपनी नींद पूरी नहीं करोगे तो आप अगर वो वहाँ पर पढ़ने लग जाते हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते, आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से 2nd पॉइंट कहता है कि रीड ऑल टॉपिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ वन टॉपिक। किसी एक टॉपिक पर फोकस मत रखो। जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस नहीं रखना। अगर आप एक टॉपिक पर फोकस रखोगे तो उसके तो आपको 20% मार्क्स मान लो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी 80% लॉस हो जाएगा। जब आपने कोई सब्जेक्ट कवर करना है, कोई टॉपिक कवर करना है, तो मोस्टली सारे टॉपिक को कवर करने का आप प्रयास करो। 3rd चीज़ है रीड डिफिकल्ट टॉपिक फर्स्ट। जो मुश्किल टॉपिक हैं, जो आपको टफ लग रहे हैं, उन टॉपिक्स को सबसे पहले उठाइए। क्योंकि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना दिन में, जिस भी टाइम पढ़ाई शुरू करते हैं उस टाइम हमारे अंदर एनर्जी होती है, एनर्जेटिक होते हैं हम, कि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि हम कुछ भी कर पाते हैं। तो उस टाइम में जब स्टार्टिंग में आप टफ टॉपिक जो है उसको आप चूज़ कर लोगे और उसको कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद क्या है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी आएगी नहीं, आपके फिर भी इजी टॉपिक्स रह जाएंगे, उसको तो आप कभी भी कवर कर सकते हो। फिर है रेस्ट बिटवीन स्टडीज़। आपको पढ़ाई के बीच बीच में रेस्ट भी करना पड़ेगा। मान लो आपने 1 घंटा लगातार पढ़ाई कर ली, उसके बाद 10-15 मिनट टहल लो, इधर उधर चल लो। अगर आप ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हो तो फिर भी आप बीच में स्टडी को रोको, फिर आप आंखों पे पानी की छींटे मारो। इस प्रकार से आप अपने शरीर को, अपनी आंखों को भी थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखो। और अगर आईज और आपका शरीर जब स्ट्रेस फ्री होगा तो उसमें एनर्जी और भी ज़्यादा डेवलप होती जाएगी, और जब डेवलप होगी एनर्जी तो आपको वो इतना ऊर्जा से भर देगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर पाओगे, इंटरेस्ट के साथ कर सकते हो। टेस्ट योरसेल्फ टाइम टू टाइम।
नेक्स्ट बात आती है कि आप अपना बार बार टेस्ट भी लीजिए, जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उनको उठाइए, फिर देखिए कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन आपको और करने हैं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाए। सिक्स पॉइंट कहता है अवॉइड इंटरप्शंस वाइल रीडिंग, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको किसी प्रकार का इंटरप्शन ना हो, आपका मोबाइल है, आपका टीवी चल रहा है, अपने घर में आसपास कोई शोर है, तो ऐसा कोई भी इंटरप्शन ना हो कि मान लो बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, आप सोचते हो एक मैसेज और देख लेता हूँ फिर पढ़ूंगा, अब फेसबुक पे कोई पोस्ट आ गया भी ये पोस्ट देख लेता हूँ फिर पढ़ूंगा, ईमेल पे कोई मैसेज आ गया, कोई ईमेल पे पोस्ट आ गई है उसको पढ़ लेता हूँ, तो इस प्रकार से क्या है कि आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो किसी प्रकार का इंटरप्शन है, किसी प्रकार की जो रुकावटें हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक रुकावट होती है, दुविधा का काम करती है, हमें पढ़ने में अपने रास्ते से भटकाने का प्रयास करती है। हालांकि सिर्फ सेल्फ स्टडी अकेले करने से आप ये नहीं कि किसी कंपटीशन के एग्जाम को पूरा कर पाते हो, उसके साथ भी सबसे पहले आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, आपके जीवन का एक एम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। किसी ने कहा कि अब आपने LLB कर लिया अब आप क्या करना चाहते हो, कहते हो नहीं कोई बात नहीं प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं कंपटीशन का पेपर दे देंगे, नहीं सरकारी वकील बन जाएंगे, कोई LLB बन जाएंगे, किसी कंपनी में चले जाएंगे, यानी कि आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आपने क्या करना है। तो अगर हम एक अपना लक्ष्य डिसाइड कर लें, एम डिसाइड कर लें, तो हमारा 50% जो है वो तो हम टारगेट कंप्लीट कर ही चुके होते हैं। जब हमारा एम डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट कदम ये हो जाता है कि अब हमें कौन कौन से ऐसे तरीके फॉलो करने हैं जिससे कि उन सेल्फ स्टडी के साथ साथ हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। तो अब उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। स्टेप्स टू अचीव गोल, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला, जीवन का अपना लक्ष्य निर्धारित करो, डिसाइड गोल ऑफ लाइफ, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। जीवन में जब आप कामयाबी लेना चाहते हो ना, सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि आपको पता तो हो कि आप क्या करना चाहते हो। जब आपको पता ही नहीं है कि आपने लाइफ में क्या करना है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में मजबूत हो जाते हो, उसके रिगार्डिंग आपको स्टेप उठाने लग जाते हो, तो आप जो है धीरे धीरे अपनी कड़ियों को पार कर लोगे। जैसे सीढ़ियाँ होती है घर की, पहली सीढ़ी आपने चढ़ी, फिर दूसरी पे चढ़ोगे, फिर तीसरी, स्टेप बाय स्टेप ही आप किसी भी मकसद में कामयाब हो सकते हो। जब आपने पहली बार जब आपका एम आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद भविष्य के लिए आपको जो है एक प्रेरणा मिलती रहेगी कि मुझे किस प्रकार से अब अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और किस प्रकार से मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ। अगर आप ये मानते हो कि अगर आपने प्रयास करना है तो आपको पता होना चाहिए किस दिशा में आपने प्रयास करना है। हर हथौड़े से आप अलग अलग के चोट मारने से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिस लोहे को आपने पीटना है, जिस जगह से आपने उसे मोल्ड करना है, बदलना है, तो आपको वो पता होना चाहिए। अगर आप LLB के स्टूडेंट हो और आप LLB कर चुके हो तो आपके मन में सवाल आते हैं कि मैं वकील बनूं, जज बनूं, क्या बनूं, वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनिए। अगर आपने LLB इस उद्देश्य से की थी कि मुझे कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, तो आप उसी पर फोकस कीजिए, उसी में कामयाब हो जाओगे। अगर आपने लोगों की नॉलेज लेने के लिए LLB की और आपका जो टारगेट आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आप उसी लाइन में UGC नेट का एग्ज़ाम क्लियर करो। अगर आप जुडिशरी ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसी के रिगार्डिंग आप अपना पूरा का पूरा फोकस उस पर रखिए। लेकिन इसके साथ साथ भी अगर मान लो कई बार क्या है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो कि मुझे जज बनना है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं करने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जब आप सिलेक्ट नहीं होगे तो आपके परिवार के लोग और आसपास के लोग कहेंगे कि कर ली तैयारी, हो गया सिलेक्शन। तो इस प्रकार से जो आपके माइंड में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो घर करने लग जाती हैं और आप जो है जहाँ हो उससे भी पीछे हटना शुरू हो जाता है। सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन स्टडी पंचुअलिटी। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो पढ़ने की जो एक टाइम है, पंचुअलिटी है, उसको आप डिसाइड करो कि अगर आपने डेली मॉर्निंग में पढ़ना है तो डेली रूटीन में मॉर्निंग में पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है तो दोपहर में पढ़ना है, कि जो समय की एक पंचुअलिटी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चाहे आपने अकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपके पास, या आप मान लो पढ़ाई के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं, हर जगह आपका पंचुअल होना, समय का पाबंद होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप समय का पाबंद होते हो तो आपका अनुशासन यही आपके अनुशासन को ये दिखाता है, और जब अनुशासन आपका सही होगा तो उसके बाद आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा मिलेगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है आप चाहे एक प्रोफेशनल हो या आप स्टूडेंट हो या कुछ भी क्यों ना हो, एक काम नॉर्मल अगर आप हाउसवाइफ को देखते हो, उसका भी एक रूटीन होता है कि सुबह उठना है और उसके ये काम करने हैं। तो बिना रूटीन के, बिना पंचुअलिटी के लाइफ में किसी भी प्रकार से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिर थर्ड पॉइंट आता है फोकस ऑन लीगल अपडेट्स, जो कानूनी अपडेट्स हैं उन पर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर आप जज की तैयारी कर रहे हो तो लीगल अपडेट्स तो हर एक एग्जाम में आता है, कई जगह GK आता है, कई जगह जूरिस्प्रूडेंस आता है, लेकिन लीगल GK मोस्टली हर जगह आता है, जो करंट के क्वेश्चंस होते हैं लॉ के रिगार्डिंग, जैसे लैंडमार्क केसेस आ गए, अभी अभी कुछ टाइम पहले केस आया था
कि जो ये प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं वो उनको राइट है कि अपना कौन सा वो प्रोफेशन चुनना चाहती है, उस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं हो सकती। तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से कुछ एक जजमेंट आ सके। जोसेफ साइन का केस आया था जिसमें जो एडल्ट्री के रिगार्डिंग सॉरी 377 के रिगार्डिंग जो था, इसी प्रकार से सायरा बानो का केस आया था ट्रिपल तलाक पे। तो हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से क्या कुछ चल रहा है। अब लेटेस्ट जो केस आया है, लेटेस्ट जो एक एक्ट आया है, कानून आया है जो फार्मर्स के रिगार्डिंग, हमें पता होना चाहिए। तो लीगल अपडेट्स के लिए भी आपके लिए स्पेसिफिक कोई ऐसा बुक होनी चाहिए जिसके थ्रू आप जो है अपने लीगल अपडेट्स को कर सकें। अदरवाइज आप क्या है कि जैसे लीव लो जैसी साइट्स है उस पर आप एनरोल अपना सब्सक्रिप्शन ले लो, या वैसे उसको आप ऐप डाउनलोड करो तो आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा कि कौन सा नया जजमेंट आया। तो इस प्रकार से आप अपनी चिट्ठी तैयारी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट कहता है प्रिपेयर सेल्फ टू स्ट्रगल, संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार करो, और नेगेटिव और पॉजिटिव सकारात्मक और नकारात्मक जो तथ्य हैं उन सभी को आप फोकस करो, उन पर भी आप अपनी नज़र टिकाए रखो। जब आप जीवन में कोई भी एम डिसाइड करते हो, आपको कुछ करना है, तो इससे पहले क्या है कि जब भी आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हो स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और उन उतार चढ़ाव के साथ साथ हमारे नेगेटिव क्या, जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो आप एक वीकर सेक्शन से और आपको लगता है कि अगर मैं प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ तो मुझे जो है 2 रुपये की इनकम हो जाएगी, आमदनी हो जाएगी, लेकिन आपने जुडिशरी की तैयारी शुरू कर दी तो आपकी वो आमदनी खत्म होगी, तो वो आपका नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया एक तरीके से, लेकिन फ्यूचर में वो आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। तो इस प्रकार से आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि मुझे पहले चांस में सक्सेसफुल मैं हो जाऊं, हो सकता है मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। तो इस प्रकार से आप अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हो और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी माइंड में रख सकते हो। फिर बात आती है ऑथेंटिक बुक की। ऑथेंटिक बुक कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जो हमारी प्रमाणिक पुस्तकें होती हैं। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो उसके लिए आपको ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, जिस बुक का अलग अलग जो प्रोफेसर्स होते हैं या अलग अलग जगह जिनकी ऑथेंटिकेशन प्रूव हो चुकी है, ऐसी बुक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। जब आप ऑथेंटिक बुक का इस्तेमाल करोगे तो उसमें किसी प्रकार की गलतियाँ होने की संभावनाएँ कम हो जाती है। आज मार्केट में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग बहुत सारी बुक्स हैं, जैन पांडे है या अदर भी बुक्स हैं, तो आप कौन सी पढ़ो वो आपने डिसाइड करना है कि कौन सी ऑथेंटिक और कौन सी में लैंग्वेज सरल है, जो एक इजी लैंग्वेज में आपको उसे ही करना चाहिए। उसके बाद बात है कि जब आपके पास बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, तो आपको लिमिटेड अपनी बुक्स रखनी चाहिए। फिर बात आती है प्रिसाइज हैंड रिटन नोट्स। प्रिसाइज हैंड रिटन नोट्स का मतलब है जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोई टॉपिक पढ़ा, फंडामेंटल राइट का, उसके रिगार्डिंग प्रिसाइज लिमिटेड फॉर्म में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। जब आप कुछ भी लिख के तैयार करते हो, कुछ भी लिख के याद करते हो, वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे लेवल तक कर सकते हो और किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो ना, उसके अंदर जो भी आपने लिखा है उससे क्या कि आपकी मेमोरी में वृद्धि होती रहेगी, मेमोरी जो इंक्रीज हो जाएगी, और जो फालतू की चीज़ें हैं आप उसको निकालने में भी सक्षम हो जाओगे। क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है कि हमें क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है सभी बताते हैं, क्या नहीं पढ़ना, जो चीज़ें हमारे काम की नहीं उसे छोड़ के चलना है। तो इस प्रकार से आप उन्हें जो है निकाल सकते हो और आप क्रिएटिविटी अपने काम में लेकर आ सकते हो। फिर है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर का मतलब है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसकी फॉर्मेट में जो टेस्ट होते हैं आपको ऐसे टेस्ट करने चाहिए। ये जब बार बार आप टेस्ट करेंगे तो आपको एक तो परफॉर्मेंस जो फॉर्मेट है उसका पता चल जाएगा कि पेपर किस प्रकार से आता है और ये किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या टफ क्वेश्चन आते हैं, क्या इजी क्वेश्चन आते हैं, वो सारा का सारा आपको पता चलता रहेगा। इस प्रकार जब आप तैयारी करोगे तो जो मॉक टेस्ट पेपर है वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। ये आपको ये भी बताएगा कि आपकी कमियाँ क्या हैं, उसको भी ये धीरे धीरे बताने में मदद करेगा। आपको अलग अलग विषयों की पहचान करवाएगा कि आपके ये सब्जेक्ट है, ये आपके इसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको एक गति प्रदान करता है, आपको एक सही दिशा में जाने का जो रास्ता दिखाता है। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 2 या 4 मॉक टेस्ट पेपर की रिविज़न भी करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल भी बनाते हैं। अब बात करते हैं ऑथेंटिक बुक्स की। ये कुछ एक ऑथेंटिक बुक है जिसकी लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जीएन पांडे, वीएन शुक्ला, नरेंद्र कुमार और एमपी जैन की बुक है। इनके टाइटल मैं आपको नहीं बता रही, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ज्यूरिसप्रूडेंस की अवतार कृष्ण कौल, बीएन मैनी त्रिपाठी और एस एन ध्यानी। सिविल प्रेशर कोड सी के टकवानी की एक अकेली बुक है जो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है उसमें। सीआरपीसी के अंदर क्या आएगा, आरवी कैलकर, रतनलाल धीरजलाल और एस एन मिश्रा की बुक है।
फिर बात आती है इंडियन पेनल कोड में, केडी गौर, रतन लाल, धीरज लाल। लॉ ऑफ एविडेंस में बटुक लाल, अवतार सिंह। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आर के बांगिया और अवतार सिंह, एस के कपूर। हिंदू लॉ में पारस दीवान, डॉक्टर यू पी डी केसरी। मुस्लिम लॉ में अकील अहमद। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अवतार सिंह, पूनम प्रधान। लॉ ऑफ टोर्ट्स में आर के बांगिया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सोगा में अवतार सिंह। पार्टनरशिप एक्ट में अवतार सिंह। लेटेस्ट जजमेंट के लिए आप लॉ हेराल्ड की मैगजीन पढ़ लोगे, वही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। जीके के लिए ल्यूसेंट, अरिहंत, प्रतियोगिता दर्पण, कोई भी आप इसमें से ले सकते हो। अब आप सोचोगे कि इतने बुक्स के नाम बताओ, ये सारी कैसे पढ़ी जाएगी। जैसे वो देखो, जिस सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा बुक है उसमें आप कोई भी एक जो है अपने लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ सकते हो। जहाँ आपको लगता है कि अगर इस लैंग्वेज में करूँ तो मेरे को ये लैंग्वेज ईजी है, तो आप एक बार पढ़ सकते हो। किसी भी लाइब्रेरी में जाके एक बार ट्रायल ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा। जब आप LLB कर रहे हो तो आपके सामने सारी बुक्स आती हैं, और उस टाइम में जो आप बुक आपको सबसे अच्छी अपने हिसाब से लगी उसको आपको लेना चाहिए। फिर सेकेंड इशू आता है कि हम अगर किसी एक बुक से तैयारी करेंगे तो हमारे कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे। सबसे पहली बात, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई भी एक बुक सफिशिएंट है जो आपको अच्छी लगे। सेकेंड चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जब पढ़ते हो, डिस्कस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पता चल जाता है किस प्रकार से टॉपिक्स आ रहे हैं, और जिस प्रकार से टॉपिक आ रहा है उसको आप इन बुक के थ्रू अपना कवर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, मौजूदा टाइम में इंटरनेट इतना ज़्यादा प्रिवेल कर चुका है कि हम यूट्यूब पर या ब्लॉग के थ्रू, गूगल के थ्रू कहीं भी कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं, और हमें उसके रिगार्डिंग बहुत डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। हम वहाँ से भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं तो हम उसी में ही होच पोच हो जाता है, हमें नहीं पता चलता कि हमने कौन सी बुक से क्या पॉइंट लेना है, कौन सी बुक से क्या पॉइंट लेना है। इस तरीके से आपके जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होते। सफिशिएंट नोट्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को उठा लो, किसी भी एक रेफरेंस बुक को उठा लो, उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं लास्ट 10 ईयर्स के हैं, जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसी स्टेट के आप 10 ईयर्स के पेपर्स उठा लो। पेपर मोस्टली रिपीट भी होता रहता है, और मेनली जो है कंसेप्ट है वो मॉडिफाई होकर दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि कोचिंग सेंटर उसकी रिक्वायरमेंट हो, कोचिंग सेंटर के अलावा भी आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर आपके पास दृढ़ संकल्प, सेल्फ डिटर्मिनेशन और एक मोटिवेशन है किसी भी काम को करने का, और कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी बनी हुई है, एक टाइम टेबल आपने ढंग से बनाया, तो आप जीवन में आप कामयाब हो जाओगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य आता है कि आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव सोचना है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। जब तक आप ऐसा नहीं सोचोगे, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। और वैसे भी हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान रहना चाहिए, हमें अपनी मेहनत और जो हम काम कर रहे हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्णा ने गीता में लिखा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कहने का मतलब है कि हे व्यक्ति, तेरा तो कर्म करने का अधिकार है, तो कर्म कर, फलों की चिंता ना कर। अगर तू फल सोच के कर्म करेगा तो तुझे लाइफ में कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगा। जितना भी तूने कर्म किया है, तुझे कामयाबी उसी के हिसाब से मिलेगी। अगर तूने लगन से काम किया है, मेहनत की है, तो आपको उसी का रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने सिर्फ दिखावा किया तो आपको उसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सेल्फ स्टडी के थ्रू कामयाब नहीं हो सकते। काफ़ी ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो सेल्फ स्टडी के थ्रू कामयाब भी हुए हैं और आज अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ही फोकस देना चाहिए। तो आपको मेरा आज का जो ये टॉपिक है, जो एक जनरल टॉपिक है, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया है, मेरा डिस्कशन पसंद आया है, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही फर्दर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कोरोना के इस काल में आप घर बैठे अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।